नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा, हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ग्वालियर आरटीओ की ओर से ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में ग्वालियर एआरटीओ रिंकू शर्मा, ग्वालियर ट्रैफिक डीएसपी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिसर एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी एवं ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी उपस्थित रहे। चेकिंग अभियान का उद्देश्य ग्वालियर शहर में ऐसे टेम्पो और भारी वाहन जिनसे अधिक मात्रा में काला धुआं निकलता है, जो प्रदूषण फैला रहे हैं, ऐसे टेम्पो और भारी वाहनों को रोक कर उनकी जांच की गई एवं फिटनेस कार्ड, रजिस्ट्रेशन, बीमा भी चेक किया गया। साथ ही जिन वाहनों के दस्तावेज पूरे नहीं मिले उनको हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द सभी दस्तावेज बनवा लें, वाहनों का फिटनेस कराकर फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले। ऐसा नहीं करने की स्थिति में रोड पर टेम्पो नहीं चल पाएगा। हिंदुस्तान न्यूज 24, सागर शर्मा, ग्वालियर। ऐसी गाड़ियां जो पॉल्यूशन के पर्यावरण के मानकों का पालन नहीं कर रही है, प्रदूषण फैला रही है, उनकी फिटनेस ध्वस्त की जा रही है। और कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जिनमें व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगी हुई टेम्पो में, उनके परमिट जो मैडम फिटनेस कर दी जाएगी उसके बाद में क्या कार्रवाई होगी? फिटनेस के बाद में जो जिन व्हीकल्स की फिटनेस निरस्त की आ रही है, ये लोग अपने वाहन को दोबारा से फिट करवा के पर्यावरण मानकों के अनुरूप करवा के लेके आएंगे। इनका स्मोक यूनिट 65 से कम होना चाहिए, तो करवा के लाएंगे तब इनको फिटनेस जारी की जाएगी, उसके बाद ही चल सकते। यदि नहीं करवाते तो जब तक टेम्पो चलेगा नहीं चलेगा तब तक नहीं चला सके नहीं चला सके